सत्य के असत्य पर जीत के पर्व दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। मान्यता यह भी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का इसी दिन वध किया था। प्रदेश एवं देश में प्रसिद्ध बैठमा ऐतिहासिक दशहरा अपनी विभिन्न प्रतियोगिता के लिए देश के प्रसिद्ध दशहरों में शुमार है, लेकिन इस बार का दशहरा आचार संहिता की भेंट चढ़ गया। लेकिन जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यवस्थाओं में भारी कमी देखने को मिली। बैठमा की मां अमन चमन की पहाड़ी पर तेज गति से चढ़ते घुड़सवार गगनचुंबी आकाश भेदी भव्य आतिशबाजी से आकाश का सितारों से भर जाने का नजारा देखने के लिए 60,000 से अधिक दर्शक दम्भी रावण को जलते हुए देखने बैठमा आते हैं। वहीं आयोजन से पूर्व नगर के राजबाड़ा चौक से विशाल जुलूस निकला, जिसमें घोड़ा घोड़ी का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस वर्ष आचार संहिता के चलते मटकी पर निशाना साधने वाली निशानेबाज प्रतियोगिता नहीं हुई, जिससे दर्शकों में निराशा रही। घुड़दौड़ के समय भी साउंड व्यवस्था न होने से घुड़सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहली घुड़दौड़ होने के बाद ही लोग आतिशबाजी देखने के लिए जाने लगे। तब उन्हें वापस कहा गया कि दूसरी घुड़दौड़ भी होने वाली है। इस बार दो घुड़दौड़ प्रतियोगिता ही आयोजित की गई। घुड़दौड़ के बाद भव्य आतिशबाजी के बाद 51 फीट के रावण का दहन किया गया, तो वहीं अमन चमन माता मंदिर में भी दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ बनी रही। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज दशहरे का पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बैठमा नगर का ऐतिहासिक दशहरा आज मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक 51 फीट का रावण आपको दिखाई दे रहा है, जहां अभी कुछ आतिशबाजी का दौर चल रहा है। इसके बाद कुछ रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जिसमें यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, जिसे दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर कई तादाद में लोग आते हैं। और बैठमा का दशहरा बहुत चर्चित है, फेमस है, और इस बार दशहरे पर आचार संहिता की वजह से यहाँ पर जो हर साल होती है, प्रतिवर्ष होती है निशानेबाजी, वो इस बार नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह आनंद बना हुआ है। हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए देपालपुर नगर के देपालपुर क्षेत्र के SDO भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे, इस बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये चल रहा है आयोजन और क्या व्यवस्था है। सर, आज जो इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इसमें लेकर के पुलिस प्रशासन की तरह से क्या व्यवस्था और किस तरीके का आयोजन ये चल रहा है? प्रतिवर्ष बैठमा में दशहरा में रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है, जिसमें जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है, काफ़ी संख्या में इकट्ठी होती है। तो इस वर्ष भी दशहरा में रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमारे ग्रामीण SP महोदय द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, यातायात के लिए पुलिस बल लगाया गया है, और कोई भी दुर्घटना अनहोनी को टालने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष थोड़ा सा निशानेबाजी को लेकर भी संशय था और वो नहीं हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आचार संहिता के लागू होने से परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए इस वर्ष उसकी परमिशन नहीं है, बाकी कार्यक्रम यथावत हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ देपालपुर क्षेत्र के SDOP राहुल सिंह खड़े। सर, आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशबाजी का दौर चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील मेघाया के साथ आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेंद्र सूर्यवंशी बैठमा से। बैठमा की गौरवान्वित परंपराओं के में से एक दशहरा यहाँ पे जो मनाया जाता है बैठमा में, मालवा का सबसे प्रसिद्ध दशहरा है। इस दशहरे के अंदर दूर दूर से यहाँ से घोड़ा रेस करने के लिए लोग आते हैं, मटकी फोड़ने के लिए, फायर बंदूक से मटकी फोड़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पे आतिशबाजी का कार्यक्रम होता है, रावण दहन का कार्यक्रम होता है सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के अंतर्गत। अब की बार आचार संहिता की वजह से बंदूक की निशानेबाजी नहीं हुई है, लेकिन सारी परंपराएं सारी निर्वाह की गई है। हमें प्रतिवर्ष दशहरा में रावण दहन का कार्यक्रम मनाया जाता है। आज भी बैठमा में दशहरे में रावण दहन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
प्रतिवर्ष इसमें काफ़ी लोग जनता बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अभी भी जनता काफ़ी उत्साहित है और बड़ी मात्रा में इकट्ठी हुई है रावण दहन को देखने के लिए। ऐसे तो हमारे एसपी श्रीमान द्वारा इंदौर ग्रामीण महोदय द्वारा पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है, पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, हमारे द्वारा यातायात के लिए उचित व्यवस्था की गई है और कोई भी दुर्घटना और अनहोनी को टालने के लिए यथासंभव प्रयास किए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।